नमस्कार, मैं अजीत झा क्राइम स्टोरीज के इस एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो धूप में क्रिकेट खेलना, वो मेले की मटर गश्ती, वो पेड़ के कच्चे आम और माँ की मार, और उस मार से बचने के बहाने ढूंढना। I miss my childhood, yeah. Growing old is just a trap. Yeah, I miss those days too. You know, हम cousins के साथ मिलके इतनी मस्ती क्या करते थे, और मैं सबकी leader हुआ करती थी. Plan for a reunion. अभी सबकी गर्मी भी छुट्टी चल रही है, सबको अपनी माँ के घर पे बुला लो. अब मेरी life तो office और घर के बीच में फंस के रह गई है. But at least you go and have fun, yaar. Yeah, but आजकल सब लोग अपने plans में busy होते हैं, you know. सबके अपने vacations plans पहले से set होते हैं. और वैसे भी शादी वगैरह में मुलाकात हो ही जाती है, तो that's okay. अच्छा, कल मैं अपने शादी का वीडियो देख रहा था. तुमने तो रो-रो के अपना बुरा हाल बना लिया था यार. और तुम्हारी माँ, उनके आंसू तो थम ही नहीं रहे थे. और तो और, तुम्हारे डैडी जो इतने स्ट्रॉन्ग है, वो भी बच्चों की तरह रो पड़े. हाँ, तो मैं अपने घर में सबसे छोटी और सबसे लाडली जो थी. Hats off to you guys, यार. अपनी हस्ती खेलती जिंदगी छोड़ के एक नए जिंदगी की शुरुआत करते हो, और इतने बड़े सैक्रिफाइस की हम कदर ही नहीं करते. अगर माँ बाप से ज्यादा नहीं तो उनसे कम भी प्यार नहीं करते हो. थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट, लेकिन मैं तो सिर्फ कोशिश कर सकता हूँ. माँ बाप से ज्यादा प्यार कोई नहीं करता. तुम्हें उनसे जब भी मिलना हो, मिल के आ जाओ. नहीं, अभी तो माँ से फोन पे बात हो जाती है, और अब तो वाईफाई भी लग गया, तो वीडियो चैट पे बात हो जाती है, तो यू डोंट वरी अबाउट इट. वो तो ठीक है यार, लेकिन माँ की गोद में लेट के उनसे बात करने का मजा है कुछ. अगर मैं तुम्हारी जगह होता ना, तो महीने में 2-3 बार तो जरूर मिल के आता. अब पुणे है कितना दूर यार. अच्छी, मैं चली भी जाऊँ, मिल भी लूँ, लेकिन फिर तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा, तुम्हारा खाना वाना वो सब. मेरा टेंशन मतलब भागल, मैं 10 साल बैचलर रहा हूँ, मुझे सब कुछ आता है. मैं तो कहता हूँ कि तुम इसी हफ्ते मिल के आ जाओ. नहीं, इस हफ्ते तो नहीं, पर आई थिंक अबाउट इट फॉर श्योर. योर विश. अच्छा सुनो, मैं कल से ना ऑफिस थोड़ा जल्दी जाऊंगा और लेट आऊंगा. क्यों? अरे मेरी कलीग है ना प्रियंका, उसकी माँ गुजर गई यार, तो शी इज ऑन लीव, और उसका भी वर्कलोड मेरे पास ही आ गया. क्या हो गया था उसकी माँ को? वही शुगर, बीपी एंड ऑल. और देखो ना, कितने दिनों से वो प्लान कर रही थी अपनी माँ से मिलने के लिए, और ऐसा हुआ कि बेचारी अपनी माँ का मरा हुआ चेहरा भी नहीं देख पाई. तुम्हारी माँ को भी शुगर है ना भाई, उनको बोलो अपना ख्याल रखे यार, इस उम्र में कुछ भी होता है यार. अरे हाँ, माँ की तबीयत तो 2 दिन से खराब भी है. अजीत, मैं माँ से मिलकर आऊँ, मैं 2-4 दिन में वापस आ जाऊंगी. अरे पागल, 2-3 दिन क्यों, 2-3 हफ्ते रह के आओ यार. तुम्हारी माँ है वो, तुमको जब भी मन करे ना मुझे बोलो, मैं तुम्हें छोड़ के आता हूँ. This poor boy is at your service, baby. 24/7. अजीत, how caring you are. I seriously love you. Please drop me tomorrow. Sure. मैं पैकिंग करती हूँ जाके. पापा, I'm coming. Listen, dude. Plan is on. अरे इस हफ्ते क्या, अगले 3 हफ्ते पार्टी करेंगे भाई.
बड़ी मुश्किल से पिघली है। पिछले एक घंटे से झूठ पे झूठ बोले जा रहा हूँ। अच्छा सुन, मैं कल इसे छोड़ के आता हूँ, इसके बाद हम प्लानिंग करेंगे, ठीक है? ओके। क्या हम फिर मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।